दोस्तों आपका लीगल आईपीएल में स्वागत है। आपसे बात करेंगे पेंशन की। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी नया जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि हायर पेंशन के जो एलिजिबल पर्सन है उनको हायर पेंशन मिलेगी 4/11/2022 को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 43(3), 44(4) एंड 44(5) के तहत जो भी एलिजिबल एम्प्लॉई हैं उनके लिए उन्होंने जजमेंट दिया है कि 5,000 रुपये, 6,500 रुपये और 15,000 रुपये की जो सीलिंग थी हमारी, उसके ऊपर जिनका भी पीएफ कटता था, जो भी पीएफ और पेंशन इसमें जाती थी, इसमें इसके हायर, इससे हायर में जो जाती थी, सीलिंग के हायर में जो आप पैसा जमा करते थे, उनको ये लाभ मिलेगा। लेकिन ये लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2014 के पहले की है। 1 सितंबर 2014 के बाद जिनकी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा और डिक्लेरेशन के साथ में वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की डिटेल्स और पीपीओ सर्टिफिकेट। ये आपको लगाकर अपने निकटतम जो भी आपके, जिस आप रीजनल पीएफ कमिश्नर ऑफिस में आते हैं वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। और इस फॉर्म को जमा करने की लास्ट डेट बहुत कम बची है, आपको 3 मार्च 2023 तक ये जमा कर देना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया है और पीएफ डिपार्टमेंट ने अपना क्लेरिफिकेशन देने में काफ़ी डिले कर दिया है, काफ़ी लेट कर दिया है, जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूज रहे हैं। और अभी भी पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डिक्लेरेशन का या ज्वाइंट डिक्लेरेशन का कोई भी फॉर्मेट जारी नहीं किया गया है। तो हम यहाँ लिंक में आपको जो भी डिक्लेरेशन एम्प्लॉय की तरफ से जाएगा और एम्प्लॉयर की तरफ से जो अंडरटेकिंग जाएगी उसका हम आपको फॉर्मेट यहाँ पर दे रहे हैं। आप वहाँ से यह फॉर्मेट ले करके और इसको आप अति शीघ्र इसको जमा कर दें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। इसमें आपको यह भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो 1.16% आपका नहीं जमा हुआ है 1 सितंबर 2014 से लेकर के 3 मई 2023 तक का जो 1.16% है विद पेनल्टी और डैमेज जो भी होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। या इसमें यह भी ऑप्शन आप दे सकते हैं कि अकाउंट नंबर 1 में जो आपका एक्सेस पैसा जमा है वहाँ से इसको डेबिट क्रेडिट के माध्यम से इसको वहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है, आप इसको काट सकते हैं। पीएफ डिपार्टमेंट को आप डिक्लेरेशन में ये भी दे सकते हैं और एम्प्लॉयर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी इसमें, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर की लायबिलिटी आपने दे दी तो एम्प्लॉयर कोई भी इस पे साइन नहीं करेगा, आपके ज्वाइंट डिक्लेरेशन आपका नहीं जमा हो पाएगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो अंडरटेकिंग क्योंकि लगेगी एम्प्लॉयर की साइड से भी, तो एम्प्लॉयर आपको तभी इसका बेनिफिट दे पाएगा जब उसको ये एश्योर होगा कि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये आपको लायबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, आपको खुद इसका पैसा जमा करना पड़ेगा और तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको इसका फॉर्म लिंक में आपको दे रहा हूँ और इसको आप अति शीघ्र जमा कर दें क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और मात्र 3 मार्च 2023 तक का समय है आपके पास कि आपको इसको जमा करना है। और हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।